जय श्री महाकाल भक्तों, आज हम आपको महाकाल मंदिर में चल रही लूट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मजबूरन हमें इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप महाकाल मंदिर जाने की सोचते हैं तो आप ऑनलाइन चेक करते हैं कि महाकाल मंदिर में क्या होता है क्या नहीं होता है, अपन देखते हैं जनरली, ठीक है। तो जब आप श्री महाकालेश्वर मंदिर की जो वेबसाइट चेक करेंगे तो उस पर आपको एक पूरी बहुत बढ़िया लिस्ट मिलेगी। सामने सबसे पहले लिखा आएगा कि भस्म आरती बुकिंग, ठीक है। तो आप वहाँ से भस्म आरती की बुकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी पूजा है उसकी बुकिंग आप नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको सिर्फ रेट लिखा रहेगा कि जनरल पूजा 100 रुपये। मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाल दूंगा। शिव महिमा पाठ 200, रुद्राभिषेक 300, शिव महिमा स्त्रोत 500, 1000 या लघु रुद्राभिषेक जो 3000 में, महारुद्राभिषेक 15000 में, ऐसा पूरी लिस्ट आपको दिखेगी वेबसाइट पर। आप ठीक है चलो कि आप 3000 वाला, आपने सोचा कि चलो 3000 वाला अपन करवा लेंगे वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि ऑनलाइन बुक होता नहीं है। आप जब महाकाल मंदिर पहुँचोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, थोड़ी सी व्यवस्था ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी जानकारी देने वाला आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तब आप क्या करोगे कि आप लाइन में लग जाओगे, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे लाइन में लगते हुए, मंदिर के अंदर आप पहुंच जाओगे, मंदिर में महाकाल बाबा के दर्शन कर लोगे। उसके बाद आप सोचोगे यार अपन अभिषेक करा ले या रुद्र अभिषेक करा ले, तो उसके लिए आप सोचोगे किससे पूछें, ठीक है। वहीं पे जैसे आप महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जाके जब महाकाल बाबा के दर्शन कर लोगे, उसके बाद एक छोटा सा काउंटर आता है, वहीं नंदीग्रह में एक काउंटर बना हुआ है, उस पर आपको एक रेट दिखेगा कि इतनी पूजा 100 रुपये वाली पूजा, 200 वाली, 300 वाली, 1500 वाली, 3000 वाली, सबका रेट लिखा रहेगा। चलो आप सोचते हो चल 3000 वाली करा लेते हैं। आप जब काउंटर पे पहुंचोगे तो काउंटर पे आप बात करोगे कि भैया हमको 3000 वाली पूजा कराना है, तब वहाँ पे से आपको कोई भी जानकारी वहाँ नहीं मिलेगी। काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा है वो कोई आपको जानकारी नहीं देने वाला, ठीक है। वो बोलेगा कि आप पंडित जी से बात कर लीजिए, पुरोहित से बात कर लीजिए। तो सामने ही जो पुरोहित हैं वो खड़े रहते हैं, उनसे आप बात करने जाएंगे कि अच्छा भैया हमको ये कराना है पंडित जी, तो वो आपको ये बोलेंगे कि आप 3000 रुपये का अगर रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पर अपन 3000 वाला लेके चल रहे हैं, तो उसमें वो बोलेंगे कि 3000 की तो आपको रसीद कटानी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ से काउंटर से, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि शासन द्वारा एकदम साफ लिखा हुआ है, जब आप ऑनलाइन मैंने चेक करा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर की कटिंग है मैं आपको बताऊंगा, कि जो 3000 रुपये हैं उसमें से 75%, ध्यान दीजिएगा, 75% पुरोहित को दिया जाएगा, ठीक है। तो 3000 में से तो 75% पुरोहित ले ही रहा है शासन से, और 1500 रुपये और एक्स्ट्रा आपसे ले रहा है, ठीक है। तो मतलब एक अभिषेक आपको जो 3000 का पड़ना था वो आपको पड़ा 4500 रुपये का, और जो पुरोहित को 75% मिलना था वो 75 के साथ साथ में आपसे 1500 रुपये और एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बात हुई, है ना। दूसरी बात ये कि जब आप नंदीग्रह के काउंटर है वहाँ पे आप रसीद कटाएंगे, तो वहाँ पे से क्या होगा कि 1500 रुपये एक रसीद और है कि 1500 रुपये की रसीद कटा के आप जल अभिषेक करके आ सकते हैं नॉर्मल। वहाँ पे से दो जन जा सकते हैं, जो पुरुष है उसको धोती पहनना पड़ेगी और महिला को साड़ी पहनना पड़ेगी, तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे का क्या कहा जाता है कि पुरोहित द्वारा कि अगर आपको 1500 रुपये की रसीद कटा के वो जल अभिषेक करना है तो आप वापस से बाहर जाइए, बड़े गणपति के इधर काउंटर है, वहाँ पे से आप रसीद कटाइए 1500 रुपये की, वहाँ पे साड़ी पहनिए, धोती पहनिए, वापस से घूम के फिर से यहाँ पे आइए और फिर जाके आप जल अभिषेक कर सकते हैं। मतलब आपको डबल राउंड लगाना पड़ेगा, आप तो पहले घूम के आ चुके हैं और वापस से आप जाना पड़ेगा। तो ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, और उसी के फ़ायदा ये पंडित जी उठा रहे हैं। जबकि ये जो काउंटर यहाँ पे है, यहाँ पे जो मौजूद काउंटर है उस पर भी आप 1500 रुपये की रसीद कटा सकते हैं, और साड़ी और उसकी जो भी व्यवस्था है इनने वहाँ पे रखी है या नहीं रखी है इसके बारे में उनने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उस काउंटर से भी वो रसीद कटती है, लेकिन वो साफ़ मना करते हैं कि इस काउंटर पे से कोई रसीद नहीं कटेगी 1500 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से महाकाल मंदिर में पुरोहित द्वारा जो है लूट मची हुई है, तो आप इनसे बच के रहिएगा। अगर आप चलो महाकालेश्वर मंदिर में अभिषेक कराने चले भी गए, तो महाकाल बाबा के पास में बैठ के आपको रुद्र अभिषेक
नहीं करने दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा बस चढ़वा के या दर्शन करवा के थोड़ा साइड में बिठाल के ही अभिषेक होगा। अब महाकाल मंदिर तो ठीक है, ये जो मेन ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद भी जो बाहर ज्योतिर्लिंग है, जैसे जूना ज्योतिर्लिंग हो गया या दो तीन ज्योतिर्लिंग और बड़े बड़े महाकाल मंदिर परिसर में ही मौजूद है, वहाँ पे भी पंडितों द्वारा आपको एक एक अभिषेक के 2100 रुपये, 1100 रुपये, इससे कम कोई करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी थी और मैंने जो भी जानकारी इकट्ठी करी उसके द्वारा मैंने 100% अपना सही बताया है। अगर इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लगभग 90% मेरे हिसाब से तो 100% है जो जो मैंने जानकारी सही दी है। ठीक है, जय श्री महाकाल। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर मुझे कुछ गलती है तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल बाबा।